Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classroom. So, we are learning about the part of a whole. Okay, that means the fractional number. Till now, what we have learned is what the fractional number is, how can we write the equivalent fractions, what the denominator is, what the numerator is. Right? So now, let's study further about the various types of fractions which we have. Okay, so now we are going to learn types of fractions. So what are the various types of fractions, right? So fractions are several types. First, let's start with the like fractions, which we already are knowing, but just we are revising. So the like fractions are the fractions whose denominator are same. For example, 1 by 2, 3 by 2, 7 by 2, 9 by 2. So these type of fractions whose denominator are same, those are called like fractions. Very easy. It may be 2, it may be 3, it may be 4, it may be 7, whatever the number is there. Wherever all the numbers, all the denominator are same, जहां पे सारे सेम होता है डिनोमिनेटर, उस तरह का फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट व्हिच वी हैव इज अनलाइक फ्रैक्शन. व्हिच वी हैव अनलाइक फ्रैक्शंस, सो इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस ऑल द डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट. तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है 1/2 है, यहां पे 3/4 है, यहां पे 7/9 है, यहां पे 9/10 है. सो हियर यू कैन सी इन द डिनोमिनेटर ऑल द डिनोमिनेटर आर हैव डिफरेंट वैल्यू. सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके, सो जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है लाइक फ्रैक्शंस, जिसका डिनोमिनेटर अलग होता है अनलाइक फ्रैक्शंस. तो वो कोई भी नंबर हो सकता है. वेरी सिंपल. आफ्टर दैट व्हिच वी हैव इज unit fractions. So in unit fractions what happens? Unit, from the term unit you can understand, unit means one. Okay, so in unit fractions you will not check the denominator, you will check the numerator. Upar wala part agar one hota hai, then you will say that particular fraction is in unit fraction. So for example, if it is 1/4, if it is 1/15, if it is 1/100, if it is 1/475, तो कोई भी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमेरिकल है अपर वाला पार्ट है वो अगर 1 है, then we will say that particular fraction number is in unit fraction. बहुत इजी. कोई भी फ्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लो, जहां पे न्यूमेरेटर में 1 दे दो, दैट इज द यूनिट फ्रैक्शन, दैट इज द यूनिट फ्रैक्शन, दैट्स ऑल. ओके, सो आफ्टर यूनिट फ्रैक्शंस व्हिच वी हैव इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस नाउ वी विल लर्न, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. बहुत ही इजी है, अच्छे से समझिए. ठीक है, लाइक जिसका सारा डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक जिसका सारा डिनोमिनेटर अलग हो, यूनिट जिसका न्यूमरेटर 1 हो. ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हिच इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. सो व्हाट हैपेंस इन प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड व्हाट हैपेंस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जस्ट interrelated, as like and unlike, proper and improper are also interrelated. So here proper fractions are the fractions whose numerator is less than the denominator. तो जिसका numerator कम होता है denominator से, उसको हम लोग proper fractions बोलते हैं. Just opposite of that,
इंप्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस का बात करें 2/3, यहां पे 2 न्यूमरेटर है जो कि कम है, 3 डिनोमिनेटर है ज्यादा है, तो ये जो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस में। उसी तरह से 5/9, यहां पे भी आप देख सकते हो न्यूमरेटर में 5 है जो कि 9 से कम है। इसी तरह से 3/7, इसी तरह से 15/100। तो इस तरह का कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, कम हो, उस तरह का फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, जहां पे न्यूमरेटर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर कम हो, छोटा हो न्यूमरेटर से, दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस वी विल कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/5, तो यहां पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है वो 7 है, डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, जो कि 7/5 से बड़ा है और 5 जो है 7 से छोटा है। तो न्यूमरेटर में जब ज्यादा नंबर रहता है, डिनोमिनेटर में कम रहता है, दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस वी विल कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसी तरह से आप भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 10/3, जैसे 15/4, जैसे 100/9, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, दैट्स ऑल, दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस वी विल कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो व्हाट हैपेंस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, in case of improper fractions what we used to do, we used to write the improper fractions in the mixed fractions, okay। to yahan pe proper, improper aur ek fractions aa jata hai which is called mixed fractions। to koi bhi number jab improper fractions mein rehta hai we used to convert that into the mixed fraction, okay। aap proper fractions ko mixed fractions mein convert nahi kar sakte, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर जो कम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं? लेट्स सी। ओके, सो नाउ व्हिच वी हैव इज ओनली फ्रैक्शंस। सो इन मिक्स फ्रैक्शंस व्हाट हैपेंस, व्हाटएवर द नंबर इज इन प्रॉपर फ्रैक्शंस वी कैन राइट दैट इन मिक्स फ्रैक्शंस आल्सो। हाउ वी कैन राइट, वी विल लर्न इन दिस क्लास ओनली। Okay, how we can write if the number is in improper fractions, how can we write into the mixed fractions, and if the number is in mixed fractions, how can we write into the improper fractions, right? So first let's see how we can write the number, if number is there in improper fractions, how can we write into the mixed fractions, aise hum log mixed fractions mein likh sakte hain। Very simply, jo bhi hamare paas number rahega numerator mein, which we have now is 7, we will divide that by the denominator 5। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी नंबर आएगा, लेट्स सी, सो 5 1 5 6 7 2, सो हियर यू कैन सी वी गॉट क्वोशेंट एज 1, रिमाइंडर इज 2, ओके। सो यहां पे किस तरह से आपको लिखना है ये सबसे बड़ा बात है, ये सबसे अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले ये जो क्वोशेंट हमें मिला है वो लिखना है, विच इज 1। आफ्टर दैट दिस इज द होल नंबर वी विल राइट, ये जो कोसेंट हमारे पास मिला है वो हम लोग होल नंबर में लिखेंगे, बाकी जो रिमाइंडर बचा है वो हमें न्यूमरेटर में लिखना है, और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दैट नंबर वी विल राइट इन टू द डिनोमिनेटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कोसेंट आया है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे 10/3 का, तो आप अगर 10 को डिवाइड करोगे 3 से, इज द व्हाट इज कमिंग, सो 10/3, सो 3 3 9 1, सो हियर आल्सो वी गॉट कोसेंट 3 एंड रिमाइंडर 1। कोसेंट हम लोग का जो है पहले हम लोग को होल में लिखेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा है वो नीचे लिखेंगे न्यूमरेटर में, उसके बाद जिससे डिवाइड कर दे रहे हैं वो लिखेंगे। तो 3 होल 1/3 विल बी द रिक्वायर्ड मिक्स फ्रैक्शंस ऑफ 10/3, ठीक है।
बहुत ही इजीली जो भी नंबर है उसको डिवाइड करके जो परसेंट आएगा पहले उसको लिख के, जो रिमाइंडर आएगा उसको रिमाइंडर में लिख के, और जो डिनोमिनेटर में मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो एज इट इज डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो यहाँ पे और भी नंबर से चलिए 15 को भी चेक करते हैं। सो 15 इज हियर यू डिवाइडिंग बाय 4 4 हाउ मेनी टाइम 4 4 आर 16 सो 7 4 3 12 3 सो हियर 3 इज द परसेंट आल्सो 3 इज द रिमाइंडर आल्सो ओके सो हियर वेरी सिंपली वी राइट 3 इन होल एंड 3 हियर आल्सो एंड डिवाइड बाय 4 4 इज ऑलरेडी देयर इन द डिनोमिनेटर सो 3 होल 3 बाय 4 तो इसी तरह से उसका भी हम लोग कर सकते हैं और कोई भी नंबर जो भी दिया हुआ हो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में व्हिच वी हैव इफ द नंबर इज गिवन इन मिक्स फ्रैक्शन देन हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट कि अगर कोई भी नंबर मिक्स फ्रैक्शंस में दिया हुआ है आप उस पर्टिकुलर नंबर को कैसे अनलाइक फ्रैक्शंस में और इम्प्रॉपर सॉरी अनलाइक नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बार रिपीट करा रहा हूं रिवाइज करा रहा हूं सो दैट यू आर नॉट फॉरगेटिंग। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अपर वाला पार्ट जो होता है कम होता है नीचे वाला पार्ट ठीक है। अब जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जस्ट ऑपोजिट होता है न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ठीक है। नाउ इफ द नंबर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी यूज टू कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन जस्ट बाय डिवाइडिंग। डिवाइड करने के बाद जो परसेंट आएगा उसको पहले लिख रहे हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको न्यूमरेटर में लिख रहे हैं और जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो एज इट इज ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि इफ एनी नंबर इज गिवन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन देन हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी इजी जस्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, ये जो दो नंबर है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये जो है ये ऐड कर देंगे ठीक है। सो वी विल मल्टीप्लाई फॉर दिस एंड दिस दिस एंड दिस दिस एंड दिस एंड व्हाटएवर द प्रोडक्ट विल कम, जो भी हम लोग का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा उसके साथ इसको ऐड कर देना है उसके साथ इसको ऐड कर देना है उसके साथ इसको ऐड कर देना है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5 और 5 5 प्लस 2 इज 7 सो 7 बाय 5 यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 9 प्लस 1 इज 10 सो 10 बाय 3 यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 3 आर 12 12 प्लस 3 इज 15 सो 15 बाय 4 दिस इज हाउ वेरी इजीली इफ एनी नंबर इज गिवन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन यू कैन कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दिस एंड एडिंग इट ओके। Here are some questions which we have in exercise 8.4. First question is, fill in the blanks. So, before doing these all questions, let's review what we have learned. Starting from the types of fractions. First, like fractions. So, like fractions are the fractions whose denominator are same. Just opposite of that, unlike fractions are the same number whose denominator are different. Like unlike, then unit fractions. Unit fractions are the fractions whose numerator is 1. Then proper fractions. Proper fractions are the fractions whose numerator is less than the denominator. Improper fractions are the fractions whose numerator is greater than the denominator. And mixed fractions are the mix of whole number and the proper fractions. Okay, so these are the topics, these are the types, various kinds of types of fractions which we have learned. Now with the basis of that, let's see the questions. All the fractions giving same denominator are called. So, if some fractions are given, all the fractions are having same denominator. So, we have learned same denominator means like fractions. So, here it will be like fractions. Okay. All the fractions having the different denominators are called. Very simply, just opposite of the unlike fractions. Unlike fractions. So, if the numerator of the fraction is 1, very easy, you need
The fractions with the numerator smaller than the denominator. So here numerator is smaller than the denominator. That means proper fractions, right? So proper. Now a dash fractions is a combination of a whole number and a proper fraction. So whole number and a proper fractions we have learned. The mix of that is called mixed fraction. So here that is called mixed fraction. So a mixed fraction is a combination of the whole and proper fraction. So this is how you can fill in the blanks. Now let's see if few more questions which we think discuss. So here are some questions, more questions you have taken from this exercise. First question it is asking, answer to the like fraction. So here some examples are given. You have to answer to the fractions which are in like. Like means which are having same denominator. So here you can see 1 by 5, 1, 2 by 5, 3 by 5 and 4 by 5. So these are all are the numbers which are in line. So these are numbers ka denominator jo hai 5 hai. So these all numbers will be in like fractions. उसी तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को अगर सर्कल करने के लिए बोला जाता तो आपको ये सारा करना होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आंसर कर द प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहां पे प्रॉपर फ्रैक्शंस को आंसर कर करना है। तो हम लोग ने पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर छोटा होता है, तो यहां पे 1 बाय 2 हो जाएगा। फिर 3 में यहां पे ये इंप्रॉपर है, ये भी इंप्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ठीक है। ये भी इंप्रॉपर है, सॉरी ये प्रॉपर है, 7 है, 8 से छोटा है, ये भी प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। तो इस तरह से जो भी फ्रैक्शंस है जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो प्रॉपर में जाएगा, बाकी इंप्रॉपर में जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में देखना है क्या पूछा जा रहा है, आंसर कर करने के लिए क्या बोला जा रहा है। अगर प्रॉपर को आंसर करने के लिए बोला जा रहा है तो प्रॉपर को करना है, कभी कभी इंप्रॉपर को आंसर करने के लिए बोला जा सकता है तो इंप्रॉपर को करना है, ठीक है। आंसर कर द मिक्स फ्रैक्शंस। यहां पे मिक्स फ्रैक्शंस जो है उसको आंसर कर करना है। मिक्स फ्रैक्शंस को वेरी इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, होल और इंप्रॉपर फ्रैक्शंस, होल और प्रॉपर फ्रैक्शंस का मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है हमारे मिक्स फ्रैक्शंस में, और फाइनली ये भी है। तो ये जो नंबर्स है जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का मिक्स है, दोज आर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस, राइट। So this is how you can able to solve this exercise 8.4. Let us discuss some questions. Question number 5 also. Convert the following fractions into mixed fractions. Mixed fractions में convert करने हैं, very easy. हम लोग ने अभी देखा divide करके। तो इसको सबसे पहले 19 को जो है 3 से divide कीजिए। 3 how many times? 6 or 18, right? So 3 6 or 18. 1. So here quotient is 6. So first you write 6. 6 is the whole number. Remainder you used to write in the numerator. And this will be as it is 3. So if you convert 19 by 3 into whole number, the required fractions will be, or required mixed fractions will be 6 whole 1 by 3. So we will read it like this. 6 whole 1 by 3. This is the whole number. So 6 whole 1 by 3. In the same way, we have to divide 32 also. This division you can do in rough form inside, right hand side. I am doing here for the explanation. So 5, I am dividing by 5. 5 how many times? 5, 6 are 30. So 6 times 30, 2 is the remainder. So here 6 is the quotient of 6 is the whole number. So 6 whole, 6 whole, 2 remainder. So 2 you will write here. By 5. So 6 whole 2 by 5 will be the required mixed fractions of 32 by 5. Right. After that, you can verify this also just by multiplying these and 18. 3 6 are 18, 18 plus 1 is 19. So 19. 5 6 are 30, 30 plus 2 is 32. So 32 by 5. 32 by 5. Okay. So likewise, this one also 57 divided by 4 first. Show how many times? 4 1 are 4. 1, 17, how many times? 4, 4 are 16, right? 4, 4 are 16, 1. So 14. So that means first 14 whole you have to write here, and then 1 is the remainder, so 1 by
by 4. So 14 over 1 by 4 will be the required number. In the same way, you can do the list of all also by yourself. Now I hope you will do all the questions of this exercise 8.4. So your homework is to do exercise 8.4 only. Okay. And if you feel any doubts in any particular topic or any particular questions, you are always welcome to us. Okay. So we will discuss more and more so that you can understand properly. And we will discuss during our live classes also. So your homework is exercise 8.4. Thank you. Have a good time. Take care and